बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैर करिए से होंगे और हमारी दुआ अल्लाह ताला से कि आप लोग खैर करिए से होंगे। तो आज बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आए हम लोग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ शेयर करना। तो हमारी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना। तो आज हमारे साथ दानियार सलारी साहब बैठे हैं, हमारा बेटा ये छोटा, ये भी आप दोस्तों को सलाम पेश करेंगे। सलाम अलैकुम दोस्तों, सलाम अलैकुम दोस्तों। तो चलेंगे रेसिपी जो बनाने लगे हैं वो हम दिखाएंगे कौन सी रेसिपी है। तो ये दे सकते हैं, माशाल्लाह हमने 5 अदद अंडा लिया है और इसको किस तरीके से बनाना है। आमलेट भी बहुत तरीके से बनते हैं, सब कुछ बनता है, लेकिन ये हम आज नए तरीके से लेके आए हैं और नए तरीके से बनाएंगे और बताएंगे कैसे बनता है। ये 5 अंडा हमारे पास, ये 5 अंडा जो है हम तोड़ेंगे और इनकी जो सफ़ेदी और जर्दी है ये दोनों अलग अलग कर लेंगे। तो ये जब हम कर देंगे तो आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं सफ़ेदी हमने लहरा निकाल लिया है और ये जर्दी है, ये लहरा हम निकाल लेंगे, ये देख सकते हैं। इसी तरह जो बकाया आंडे हमारे पास वो सब इसी तरह हम तोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं ये 3 जर्दी हमने ली है और 4 अंडे की सफ़ेदी, 5 अंडे की सफ़ेदी डाली है और 3 जर्दी, ठीक है। ये 5वें अंडे की जो जर्दी है वो नहीं डालनी, 3 की डालनी है और 5 की सफ़ेदी डालनी है। 2 जो बचे उसकी जर्दी लादा रख लेनी है। इसको अच्छी तरह जो है फेंट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं ये जर्दी को अच्छी तरह फेंटना है। ये देखें कैसे, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ जर्दी है। इसको अच्छी तरह फेंट के इसे टाइट करना है। देखिए क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह जर्दी जो है ये क्रीम जैसी होगी। ये देख सकते हैं इसको तब तक फेंटते जाना जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए और क्रीम की तरह ना हो जाए। ये देख सकते हैं इस तरह की हो जाए तो छोड़ दें। ये देख सकते हैं, और अभी जो सफ़ेदी है उसको हम इसी तरह फेंट लेंगे। सफ़ेदी हमारे पास अभी, इसको भी अच्छी तरह जो है ना जर्दी को फेंट दी है, अभी इसको भी अच्छी तरह फेंट देंगे। ये भी गाढ़ी हो जाएगी क्रीम की तरह। ये देख सकते हैं सफ़ेदी भी हमारी क्रीम की तरह तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह,
दे सकते हैं, जर्दी जो है सफ़ेदी में डाल देंगे। ये देखिए जैसे करीम तैयार हुई, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। अभी ये दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं बारीक मिर्च काटिए, बिल्कुल हल्की है, छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक बारीक बिल्कुल। आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर बच्चों के लिए बनाएंगे तो ये मिर्च जो है वो ना डालें, क्योंकि बच्चे मिर्च जो है नहीं खाते। तो बड़ों के लिए बनाना है तो फिर हरा मिर्च जो है वो डाल सकते हैं। बाकी और दो चीज़ें हैं वो लास्ट में जो है बना के डालेंगे। ये माशाल्लाह केक जैसा तैयार होगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल क्रीम तैयार हो गई है। तो चलेंगे अभी इसको बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं एक फ्राई पैन लिया हमने, इसमें ये जो क्रीम बनाई है वो डाल देंगे। ये देख सकते हैं आग जला दिया और रख देंगे चूल्हे के ऊपर। इसको हल्की आग आंच पे पकने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको साइडों से जो है इस तरह अच्छी तरह जो है किनारा इसका साइड में कर लेना है, और 2-4 मिनट के बाद इसके नीचे से घी डाल देना। अभी 2-3 मिनट के लिए इसको ऊपर से ढक देंगे। ये चेक करेंगे, देखते हैं अंदर से ही पक गया कि नहीं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह अंदर से भी अंडा जो बिल्कुल पक गया। अभी नीचे उतार लेंगे इसमें काली मिर्च जो है ये थोड़ा डाल देंगे। और नमक आप लोग हसबे ज़रूरत जो है वो डाल सकते हैं। तो लीजिए आमलेट हमारा तैयार है, नीचे उतार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा केक की तरह आमलेट हमारा तैयार हुआ है।
तो बहुत मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा बनता है। इस तरह का आमलेट बना के ज़रूर खाएं, बच्चों को भी दें तो इंशाल्लाह बहुत शौक से बच्चे भी खाएं बहुत मज़े से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करना। तुम्हारी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के फजल व करम से नई रेसिपी जो है हम अपने दोस्तों तक पहुँचाते रहेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल में नए आए हैं, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी कर लीजिए ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। मोहम्मद अफजल और दानियाल सलारी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।